हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इन तकनीकी विश्लेषण श्रृंखला में, अ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज बाय डीके। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह एक फ्री यूट्यूब चैनल है। आपके राइट साइड में नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करें और इस परिवार का हिस्सा बने। एंड दोस्तों, बेल आइकन को एनेबल करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको हर आने वाले वीडियो की जानकारी समय पे उपलब्ध हो सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। दोस्तों, स्टॉक मार्केट सीरीज के तहत आज हम टेक्निकल एनालिसिस की बात नहीं करके कुछ नई जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हो सकता है बहुत सारे दर्शक इसके बारे में जानते भी होंगे और रेफर भी करते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग को जानकारी नहीं होगी। तो ये खास करके ये वीडियो बनाया जा रहा है बिगिनर्स के लिए, ताकि उन्हें ये जानकारी उपलब्ध हो सके और इस फ्री सुविधा का वो संपूर्ण लाभ उठा सके। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एनएससी वेबसाइट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक कंप्लीट डेटा बैंक है और इस डेटा बैंक के तहत वो सारे स्टॉक उपलब्ध, सारे स्टॉक के इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, सारे डेटा उपलब्ध है जो हमें एनालिसिस करने में किसी भी स्टॉक की मदद करते हैं। और ये एक रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। तो दोस्तों, ये वेबसाइट है www.nscindia.com। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इसके सैलियंट फीचर्स को, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को, ताकि हम डेटा को जब एनालिसिस करें तो इसमें से सोर्स करके, डेटा प्राप्त करके उसे डाइसेक्ट कर सके, उसे समझ सके और अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। क्योंकि इस वेबसाइट में इक्विटी से रिलेटेड डेटा है, ऑप्शन से रिलेटेड डेटा है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के डेटा है, कितनी डिलीवरी हुई है। खास करके मैं डिलीवरी के ऊपर में आज एम्फेसिस करूंगा, बिकॉज कुछ इम्प्रूवमेंट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट में हुए हैं जो एब्सोल्युटली लाइव अपडेट डेटा होते हैं, जो अभी हम जब डिस्कस करेंगे साइट पे जाके तो आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम ये जानकारी समझने की कोशिश करें उसके पहले आपसे अनुरोध किया जाता है कि स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर को ध्यान से एक बार पढ़ लें। चलिए दोस्तों, हम एनएससी वेबसाइट को देखते हैं। ये एनएससी वेबसाइट है www.nscindia.com। एंड दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आप यहाँ देख सकते हैं एनएससी। और आज के दिन में ये दिखा रहा है कि निफ्टी 50 की ये क्लोजिंग स्पॉट पे क्या क्लोजिंग हुई है, ये हम देख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है नॉर्मल मार्केट हैज क्लोज्ड June 4, 2019, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे June 5th लिखा है, लेकिन दोस्तों कल हॉलीडे है बिकॉज ऑफ ईद। सो दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है। हम इसमें देखते हैं पहले ये लाइव मार्केट रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है। सो दोस्तों, ये सेगमेंट है लाइव मार्केट से रिलेटेड, जिसमें आप देख सकते हैं प्री मार्केट, मार्केट ओपन होने के पहले जो प्री मार्केट में ट्रेडिंग के डेटा होते हैं, इसको हम क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं कि प्री मार्केट के डेटा यहाँ उपलब्ध होते हैं। और ये दिखाते हैं कि प्री मार्केट में एक जनरल व्यू नज़र आता है कि मार्केट कि क्या संभावना हो सकती है आगे प्रोग्रेस करने की, कितने निफ्टी 50 में स्टॉक ग्रीन है और कितने डिक्लाइन कर रहे हैं और कितने की प्राइस में कोई चेंज नहीं है। सो दोस्तों, ये प्री मार्केट है। इसके अलावा हम देख सकते हैं इक्विटी स्टॉक में
सो यहाँ पर इक्विटी से रिलेटेड स्टॉक निफ्टी 50 के, ये सारे स्टॉक निफ्टी 50 के हैं जो इस पूरे लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। और हम देख सकते हैं आज कौन से स्टॉक ग्रीन में क्लोज हुए हैं एंड उनका आज ओपन क्या था, हाई क्या था, लो क्या था और लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या थी एलटीपी और कितना परसेंटेज उसमें चेंज आया है, ये सारे डेटा 52 वीक हाई क्या है, कितना वॉल्यूम था उसमें, टर्नओवर क्या हुआ है इन करोड़्स, 52 वीक लो क्या है और पिछले 365 डेज में एक ये सिमेट्रिक चार्ट दिखा रहा है जो हमें देख सकते हैं, ये समझा रहा है यहाँ से मार्केट गिरा और अभी अप स्विंग ये नज़र आ रहा है। तो इस तरह से 365 डेज माने एक साल के अंदर में मार्केट ने इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ने क्या रिटर्न दिया है और पास 30 डेज का इसका ओवरऑल लुक क्या नज़र आ रहा है और 30 डेज में क्या परसेंटेज चेंज है, तो ये एक जनरल लुक देता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं इसमें अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो मिड कैप, निफ्टी, नेक्स्ट 50, स्मॉल कैप, सभी अलग अलग सेक्टोरल इंडेक्स इंडिसेस जो है, ऑटो, निफ्टी बैंक, एनर्जी, फॉर एग्जांपल हमने निफ्टी ऑटो पे किया तो ऑटो से रिलेटेड सारे स्टॉक्स इसमें जो उस इंडेक्स में है, उस इंडेक्स के हिस्सा हैं वो खुल जाएंगे और ये सारी जानकारी यहाँ से हमें मिल सकती है। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका। इसके अलावा जो लोग डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करते हैं या करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं तो वो भी यहाँ से डेटा देख सकते हैं, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी और इस तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं। सो दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो है, जो सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है, हम उसको क्विकली कवर करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमें किसी पर्टिकुलर शेयर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ फॉर एग्जांपल हम इक्विटी में उस स्टॉक को टाइप कर देंगे। फॉर एग्जांपल हेवल्स मैंने टाइप किया और हेवल्स पर जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हेवल से रिलेटेड ये पूरी विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। हम यहाँ देख सकते हैं कि इसमें ये जो आज की डेट June 4th 2019 को ये हेवल्स की सारा कुछ दिखा रहा है और क्या क्या डेटा है इसमें कि हेवल्स का पी रेशियो क्या है 60.84 और हम देख सकते हैं इस सेक्टर का इंडेक्स जो है उस सेक्टर इंडेक्स का पी क्या है तो हम ये इसका पी दे सकते हैं और ये किस पर्टिकुलर इंडेक्स में कवर किया जाता है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन, निफ्टी कंजम्पशन का ये हिस्सा है। इसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पर कि आज की क्लोजिंग किस प्राइस पे हुई है, आज ओपन किस प्राइस पे हुआ मार्केट, हाई कहाँ तक गया, लो कहाँ तक बनाया और क्लोज कहाँ तक हुआ। इसके अलावा हम जानकारी देख सकते हैं कि इसका जो बेसिकली एवरेज ट्रेडेड वैल्यू जो है वो क्या है, ये यहाँ पे दिखा रहा है एवरेज ट्रेडेड वैल्यू जिसमें वॉल्यूम को भी कंसीडर करके ये निकाला जाता है तो जिसमें इस ये एवरेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इसकी फेस वैल्यू क्या है, ट्रेडेड वॉल्यूम क्या रहा है, उसके अलावा 52 वीक हाई, ऑल दोज डेटा आर अवेलेबल। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है खास करके जब हम किसी इक्विटी में लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं और बाई करना चाहते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। ये हम यहाँ देख सकते हैं आज के दिन में ये दिखा रहा है कि कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई है हेवल्स इंडिया में, ये हम देख सकते हैं और इसके अलावा कितनी क्वांटिटी इस ट्रेडेड वॉल्यूम में से डिलीवर हुई है और डिलीवरी का परसेंटेज क्या है, मींस 31.22% इसकी टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी में से एक्चुअल में डिलीवरी हुई है तो ये हमें इंडिकेट करता है। और दोस्तों ये जो डेटा है ये अभी अपडेट 3 बजे तक हुआ है,
आज की टोटल डिलीवरी का डेटा शाम को 6:15 बजे तक इस साइट में सारे डेटा आज से रिलेटेड अपडेट हो जाते हैं। एक बात मैं शेयर करना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलर बॉक्स जो है ये बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है साइट पर। तो आप फॉर एग्जांपल दोपहर में 1 बजे चेक करना चाहते हैं कि ट्रेडेड क्वांटिटी क्या है और कितनी डिलीवरी परसेंटेज है, तो वो आप लाइव अपडेट इसमें होता है और फ्रीक्वेंटली इसको अपडेट साइट पे किया जाता है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर हम इससे रिलेटेड डेरिवेटिव मतलब फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डेटा हैवेल्स का जानना चाहते हैं, तो हम यहाँ गेट डेरिवेटिव कोट पे हम क्लिक करेंगे और ये हम देखेंगे कि इसमें करंट मंथ का स्टॉक फ्यूचर्स हैवेल्स जो कॉन्ट्रैक्ट 27 जून 2019 को जून महीने का कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सपायर हो रहा है उससे रिलेटेड डेटा की विंडो खुल गई है और हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें एक नई जानकारी रहती है जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है कि टोटल ओपन इंटरेस्ट क्या है और ओपन इंटरेस्ट में आज चेंज क्या हुआ, प्राइस ने इतना जंप किया, प्राइस बुलिश थी आज ग्रीन में क्लोज हुई और साथ में ओपन इंटरेस्ट की भी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा हम अगला कॉन्ट्रैक्ट अगर देखना चाहते हैं तो जून की जगह हम इसको जुलाई सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद गेट डेटा पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो गया और ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रहा है कि इसमें ओपन इंटरेस्ट की बढ़ोतरी कितनी हुई है। इसके अलावा अगर हम हैवेल्स का ऑप्शन चेन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन चेन है, इसे अगर हम क्लिक करते हैं इसे क्लिक करने पे ये हमें ऑप्शन चेन मिले जाएगा और हम यहाँ देख सकते हैं कॉल साइड एंड पुट साइड से सारे रिलेटेड डेटा इसमें हमें हैवेल्स का आज स्पॉट पे क्लोजिंग किया हुआ है और ये हम देख सकते हैं कि आज उसमें कितना प्रीमियम पुट साइड में था, कॉल साइड में था, ओपन इंटरेस्ट की क्या सिचुएशंस है और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें हम इससे जानकारी पा सकते हैं। इसके दोस्तों ये एक बहुत इंफॉर्मेटिव साइट है, मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया है और ये पर्टिकुलर साइट इज सो एग्जॉस्टिव दैट मैं ये बोलना चाहूँगा वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंजेस इन द वर्ल्ड विच गिव्स यू सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा एंड दीज आर कमिंग फ्रॉम द रिलायबल सोर्सेज। सो दोस्तों ये एक जस्ट जानकारी थी आपके लिए ताकि इसमें आप और भी समय बिता सकें इस साइट पर और देख सकें कि किस तरह से हमें इंफॉर्मेशन यहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं और अपने एनालिसिस को और भी अधिक इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है और ये इन्फॉर्मेशन जो आज हमने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट के बारे में दी है और वो आपको यूजफुल साबित हो रही है, तो दोस्तों इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड सर्किल में सोशल बेस में सोशल मीडिया में इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका लाभ हो सके और वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन सकें। एंड दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस परिवार का हिस्सा बनें एंड बेल आइकन को इनेबल करना ना भूलें ताकि आपको सही समय पे नोटिफिकेशन मिल सके नए आने वाली वीडियो के बारे में। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।